और चलिए आगे बढ़ते हैं। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल मिल गई है। नए साल के आगाज के साथ ही दुष्कर्म और हत्या के दोषी गुरमीत राम रहीम एक बार फिर से 40 दिन की पैरोल में ऋतिक की सुनरिया जेल से बाहर आ गए हैं, जिसको लेकर अब हरियाणा सरकार पर भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। वहीं हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला की तरफ से इस पर सफाई दी गई है। इन सभी मुद्दों पर जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला से खास बातचीत की गई है हमारे संवाददाता की तरफ से, सुनिए क्या कुछ कहा गया है। सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल मिल चुकी है और इस वक्त वो जेल से बाहर आ चुका है। मेरे साथ हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला जी हैं। सर, जिस तरीके से गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से 40 दिन की पैरोल मिली है, सीधे तौर पर हरियाणा सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं इस पैरोल को लेकर। मैडम, मैं नहीं समझता किस बात के सवाल है। देखिए, हर कैदी को अपना अधिकार होता है, फंडामेंटल राइट्स है कि वो सामान्य कैदी की तरह हमारे पास है। जब किसी कैदी को 3 साल 5 साल जब जेल में हो जाते हैं तो फिर उसको अपना अधिकार है कि वो 1 साल के अंदर 10 हफ्ते पैरोल पे जा सकता है। ये जेल मैनुअल में है, इनका जाने का था। अब हमारा मार्च मार्च होता है, अब जनवरी में इन्होंने अप्लाई करा 23 में कि मुझे जाना है। वो रीज़न जो है वो उन्हें देखते हैं, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है उन्होंने लिख के भेजा, हमने उनकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी, उन्होंने उन्हें पैरोल दे दी। इसके बाद डीएम पे ऑर्डर जाते हैं, डीएम उनसे बेल बॉन्ड भरवा के रिलीज ऑर्डर में भेज देते हैं। जब रिलीज ऑर्डर जेल में आ जाएंगे तो हमें उन्हें अथॉरिटीज को बाहर सौंपना पड़ता है। हमारी ड्यूटी बनती है ड्यूटी तक, ड्यूटी के बाद फिर वो लेके जाते हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सर, क्या ग्राउंड दिया गया है उनकी तरफ से, क्या रीज़न दिया गया है कि किस लिए वो 40 दिन की पैरोल मांग रहे थे? मैंने ये नहीं पूछा क्योंकि कल ही उनकी परसों ही एप्लीकेशन आई थी। पर यही होता है कि या तो घर में कोई मदर को मिलने के लिए, कभी कोई बीमार हो तो, या अपनी सेहत के लिए, किसी बात के लिए, कभी घर में अनफॉर्चुनेट हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है तो वो लेके भी जाते हैं। उनका हक बनता है। मैंने पूछा नहीं कितने लोग लेके जाते हैं, उन्होंने कोई रीज़न तो दिया होगा जिसे देख के उन्होंने डिविजनल कमीशन ने उन्हें पैरोल दी है। डेरे में कार्यक्रम भी है सर 25 तारीख को, तो ऐसे में क्या हरियाणा सरकार को इतला किया गया है कि वहाँ भी जाना चाहते हैं राम रहीम? हर साल वो अपना प्रोग्राम करते हैं, पर उन्हें जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जान लिख के दिया, वहाँ अगर डेरे का दिया तो डेरे में जाएंगे, अगर बाहर का है तो बाहर, वो डिसाइड करते हैं, हम नहीं करते। धन्यवाद सर। हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला जी को आपने सुना, जिनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि किस बिहाब पर और किस ग्राउंड पर राम रहीम को यहां पर 40 दिन की पैरोल दी गई है। कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।